नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 5 अगस्त और इस समय की बड़ी अपडेट राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञापन 5 अगस्त राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर विभाग के लिए राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1991 के अंतर्गत अभियांत्रिकी की विभिन्न शाखाओं यथा सिविल व यांत्रिकी तथा विद्युत के लिए सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 1014 पदों पर भर्ती तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता और पदस्थाई तथा प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि आरपीएससी इसमें कर सकता है। आप देख सकते हैं पदवाई यहाँ पर वर्गीकरण पीएचईडी एईएन और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर इनके पद आप देख सकते हैं। जनरल एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस 1014 पद इसमें टोटल रखे गए हैं असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के। आप देख सकते हैं यहाँ पर पदों का वर्गीकरण और इसके बाद में आपको ले चलते हैं इसकी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यहाँ देख सकते हैं निर्देश सेतु और इसके अलावा 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम आयु सीमा में छूट ये आप यहां पर देख सकते हैं। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इसके बाद में और भी बड़ी अपडेट है आरपीएससी के द्वारा जो है इसी वीडियो से संबंधित आपको दी जाएगी। यहां देख सकते हैं चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। और परीक्षा के स्थान ये आरपीएससी द्वारा सूचित किया जाएगा और 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक इसे तो आवेदन लिए जा रहे हैं। 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक इसे तो आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहां पर ओटीआर और महत्वपूर्ण निर्देश। तो ये इस समय की बड़ी अपडेट और ये आवेदन शुल्क से संबंधित एक बार ये पंजीयन शुल्क उससे संबंधित जानकारी और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 और टाइम यहाँ पर 2 आवर्स कंपलसरी पेपर के लिए और ये आप देख सकते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर की जो है ये यहाँ पर ये वैकेंसी जारी हो चुकी है आरपीएससी के द्वारा आज की बड़ी अपडेट। और अब आपको ले चलते हैं दूसरी बड़ी खबर आरपीएससी से संबंधित ही। यहाँ पर एक साथ 2 विज्ञप्तियां जारी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अंतर्गत और अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर श्रेणी सेवा भर्ती और अन्य शर्तें 14 के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर या एएसओ के कुल 43 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। ये भी आप देख सकते हैं यानी एक साथ आरपीएससी ने आज 2 विज्ञप्तियां जारी की है। इसमें नॉन शेड्यूल्ड एरिया जनरल एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कुल 43 इसमें पद रखे गए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देख सकते हैं। अब इसके आवेदन कब से लिए जा रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं यहां पर दी हुई है। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टेटिक्स इकोनॉमिक्स अथवा कॉमर्स जी हाँ एमए में यहां पर एमए की डिग्री चाहिए। और भी देख सकते हैं आप ये आयु सीमा 18 से 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट उससे संबंधित अपडेट। और इसके बाद में आवेदन संबंधी जानकारी वही 12 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 12 अगस्त से 10 सितंबर ये आज की बड़ी अपडेट ओटीआर को लेकर के। और इसके बाद में यहां पर ये एक बार ये पंजीयन शुल्क ये भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। तो साथियों आज की ये इसमें की बड़ी अपडेट और अब आपको ले चलते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।
इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित भी अपडेट आप देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा के आवेदन पत्र क्रमांक 213/4/24 द्वारा वर्ष 24-25 का कैलेंडर जारी किया गया था और पत्र क्रमांक 15 जुलाई 24 द्वारा परीक्षा कार्यक्रम की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। तो ये आप देख सकते हैं परीक्षा दिनांक, संभावित सीटी अथवा नॉन सीटी और परीक्षा का नाम, कनिष्ठ अभियंता, सिविल, डिप्लोमा धारक सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा जो कार्यक्रम है इनका ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये इस समय की बड़ी अपडेट। तो साथियों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।